जुमे को पंजाब असेंबली तहलील होगी या नहीं, फवाद चौधरी ने पीटीआई की प्लानिंग बता दी। कहा कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद नाकाम होगी। जुमे को प्रोसेस शुरू होगा और एक हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा और परवेज इलाही ही वजीर आला पंजाब रहेंगे। फवाद चौधरी ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को खबरदार करते हुए कहा कि गवर्नर किसी भी गैर आईनी इकदाम और एडवेंचर से बाज रहें। सूबे में गवर्नर राज नहीं लगेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली साथ तहलील की जाएंगी। कहा स्पीकर पंजाब असेंबली इजलास बुलाने से इनकार करते हुए अपना तलब करदा इजलास जुमे तक मुलतवी कर चुके हैं। रहनुमा पीटीआई का कहना था कि पीडीएम इलेक्शन से भागना चाहती है। उन्होंने वोट को इज्जत दो से इलेक्शन से भागने तक का सफर बड़ी जल्दी तय कर लिया है। आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत-ए-हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर वन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।